आप वापस करके दिखाओगे उसको प्लीज? हाँ एक सेकेंड। यहाँ पे हमने करा था कॉलम को ऑटो फिट, कॉलम हमारा छोटा था, हमने इसको ऑटो फिट कर दिया, बड़ा हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारी राइट, रो रो थोड़ी हमने बड़ी कर दी, हमने इसमें कुछ लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, आप देख रहे हो टेक्स्ट तो हमारा कम है, लेकिन हमारी रो का जो है साइज है वो थोड़ा बड़ा हाइट है ना। बढ़ा है। हमने करा इसको ऑल्ट ओ आर ए, देखा आपने साइज छोटा हो गया है, जितना टेक्स्ट था उतना ही हो गया। गुड पॉइंट, हाँ गुड ये पॉइंट, रो के लिए है हमारा, और वो था हमारे टेक्स्ट के लिए। ठीक है ठीक है, ठीक है। अब है इसके अंदर कंट्रोल स्पेस बार कॉलम सेलेक्ट। देखिए अब अगर आपको ये कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे सी पे ऐसे, करेक्ट, लेकिन अगर इसके लिए आपको शॉर्टकट देखना हो तो इसके लिए है कंट्रोल स्पेस बार, और यस वह भी सर, सिलेक्ट हो जाएगा। राइट। ठीक है, ऐसी है शिफ्ट स्पेस बार, ये है रो सिलेक्ट के लिए, शिफ्ट स्पेस बार रो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल डब्ल्यू, ये जो एक्टिव हमारे पास कई बार ऐसा होता है जब हम काम करते हैं तो हमारे पास 5-7 शीट्स खुली रहती हैं टैब्स में नीचे। ठीक है, हाँ फ्रिक्वेंटली हमें उन शीट्स पे काम करना होता है, हमें क्लोज करना होता है, ओपन करना होता है, तो ऊपर क्रॉस क्रॉस करके तो बहुत दिक्कत हो जाती है बार बार। हम कंट्रोल डब्ल्यू कर सकते हैं सिंपली, इट विल आस्क फॉर सेव और नॉट सेव। ओके, बंद कर देगा ये। ऑल्ट डी एफ एफ, ऑल्ट डी एफ एफ ये तो फिल्टर के लिए होता है, हमने इसको करा ऑल्ट डी एफ एफ, वी कैन अप्लाई फिल्टर। अच्छा, फिल्टर के लिए हमारे पास काफी सारे शॉर्टकट्स हैं, सपोज हम कंट्रोल शिफ्ट एंड एल भी प्रेस करते हैं तो हमारा फिल्टर हो जाता है। ऑल डीएफएफ पे आपको अगर फिल्टर अप्लाई करना है ना, तो हाँ आप हाँ शिफ्ट एल ट्राई करो। शिफ्ट एल से भी हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल हाँ, कंट्रोल फिर, शिफ्ट प्लस एल, हाँ इससे हो जाता है। और अगर आप एक और शॉर्टकट देखना चाहो तो इसके लिए ऑल्ट ए टी भी है, ऑल्ट ए टी, इससे भी फिल्टर अप्लाई हो जाता है। तो अच्छा आपको जो सही लगे उसमें एक पिक कर लो और उसको हम बाय बाय यूज करना। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करती हूँ। ठीक है, जब इससे मैं ऑल्ट डी एफ एफ यूज करता हूँ, सबका अपना एक एक है तो अपना एक पिक कर लो हाँ इसको यूज हाँ करो। अंडरस्टैंड, हाँ, ये है कंट्रोल लाइट, ये चारों फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट्स मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाल दिया, ओके अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, कभी मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, कभी मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो आपको अभी माउस से क्लिक करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो सिर्फ माउस को हाथ ही ना लगाना पड़े, तो यहाँ से है कंट्रोल लेफ्ट दबा, जब आप दबाओगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाएगा। ओके, अच्छा, और फिर नीचे डाउन करोगे तो एक्सट्रीम डाउन, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम अप, समझ रहे हो। ओके, इससे हमें बहुत हेल्पफुल होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज मैंने यहाँ पे कोई रैंडम नंबर जनरेट कर दिए, अब मैं यहाँ पे इनका सम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से इसको ड्रैग करना है फॉर्मूले को यहाँ तक, तो आपको कैसे करोगे, यहाँ पे जाओगे या तो इसको ऐसे करोगे इस तरीके 25 से पे डबल क्लिक करूंगी तो ड्राइव हो जाएगा। ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ आपको कि आप पहले यहाँ से जाओगे, नीचे आओगे, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे हो जाएगा। दिस इज द वे द एग्जीक्यूटिव वर्क्स ऑन रिपोर्टिंग लाइक स्टफ, दे यूज दिस शॉर्टकट दिस वे। अच्छा, डाउन, दिस इज मच फास्टर। आपको वापस दिखाना पड़ेगा। मैं पहले इधर गया, फिर नीचे आया, फिर साइड में आया, फिर ऊपर चला गया, सिंपल। फिर से कर, हाँ जी, क्योंकि लैग हो रहा है ना नेटवर्क में, इसलिए आई एम नॉट एबल टू स्पीक आउट टू इट। ओके नो प्रॉब्लम। मैं साइड में गया, एक स्टेप पीछे, उसके बाद कंट्रोल डाउन, एक्सट्रीम डाउन, एक स्टेप आगे आया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और अप, पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी। नहीं, अभी भी लैग आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो चुके। आप नहीं नहीं रिकॉर्ड कर वो रहे रोना हो ना चाहिए, अपने सेशन को? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, लेकिन क्लियर होना चाहिए अभी। तो देखो मैं पहले पीछे गया, एक स्टेप पीछे, एक सेल पीछे, ठीक है, ओके, हेलो
उसके बाद मैंने कंट्रोल डाउन दबाया, कंट्रोल डाउन दबाया, नीचे आ गया सबसे, एक सेल फिर आगे गया, ओके, देन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके अब ये पूरा सेलेक्ट हो गया ऊपर तक। अब मैं इसको जब डी दबाऊंगा तो ये ड्रैग हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन यस कंट्रोल डी टू ड्रैग द फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसको थोड़ा ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है ये, ठीक है, क्लियर, राइट। या तो एक सेकेंड, जैसे मैंने इसके शॉर्टकट्स बताए थे आपको मर्ज सेंटर के, रैपटेक्स के, इसी तरीके से हर चीज के शॉर्टकट है, हर चीज के। और मैं जब आपको क्लास कराऊंगा ये, तो मैं आपको कहीं क्लिक करके नहीं बताऊंगा कि यहाँ से क्लिक करके ये ऑप्शन आ जाएगा। आई विल डू एवरीथिंग विद शॉर्टकट्स ओनली, ताकि आपको शॉर्टकट्स की आदत पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्सेल में कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता कहाँ पे पड़ी हुई है, और मैं क्योंकि उनको खोलता ही नहीं, क्लिक ही नहीं करता, सीधे शॉर्टकट यूज करता हूँ, ओके। तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट से सिखाऊंगा सब कुछ। तो ये हमारे शॉर्टकट्स क्लियर हो गए, इनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। बाकी तो आप जब यूज करोगे तो अपने हिसाब से देख लेना, वही ऑल्ट का यूज फंडा यूज करके, ठीक है। Give me one second. I'll just quickly make a note of something. One second. Just give me a moment, okay? मैं कुछ note कर रही हूँ. It's okay. When you say control right, down, up and left, you mean by the arrow key, correct? Right, right. Okay. वैसे मैं ये शीट आपको मेल भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर आप मेल कर सकते तो भी नाइस। नाइस की क्या बात है, कर ही दूंगा मैडम, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, कर दीजिएगा आप। ओके, नेक्स्ट इज पेस्ट स्पेशल। ओके ओके, देखिए हम कॉपी पेस्ट तो करते ही रहते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। लेट मी गेट द डेटा फर्स्ट 100। ये मैंने कुछ डेटा क्रिएट किया, अब मैं इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। तो मैंने येलो कर दिया अपना, ओके, इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, और क्या करूँ, काफ़ी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यूज है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे जो है पेस्ट हो जाए, मैं नहीं चाहता ना ये कलरिंग आए, ना ये फॉन्ट साइज आए, ना ये बोल्ड होकर आए वैल्यूज, ठीक है। सपोज इसके अंदर मैंने कोई फॉर्मूला भी लगा रखा है, यहाँ पे मैं चलो वो फॉर्मूला भी लगा रखा है, इन सबका समझ ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्मूले भी लग गए, इसके अंदर कलर भी हो गया, फॉन्ट कलर भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। मैं चाहता हूँ सिर्फ वैल्यू वैल्यूज पेस्ट हो जाए यहाँ पे, यहाँ पे बाकी कुछ भी पेस्ट ना हो। तो इसके लिए शॉर्टकट है, मैं अगेन शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट वो भी है पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन, ठीक है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे शॉर्टकट से आता हूँ। जब आप दबाएंगे ऑल्ट ई एस, ऑल्ट ई एस, पहले आपको उस डेटा को कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, कंट्रोल सी, अब यहाँ पे आके ऑल्ट ई एस, तो आपके पास ये विंडो खुलती है,
देख रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, कंप्यूटर मतलब वो नेटवर्क में लैग की वजह से ना वो विंडो आई नहीं है अभी। अच्छा, ये विंडो आप देख पा रहे हैं? वन सेकंड सीसीटीवी? ओके ओके, वन सेकंड, होल्ड ऑन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शट ऑफ द अदर डिवाइसेस ऑन माय नेटवर्क। नो प्रॉब्लम।
हेलो हेलो Yes, sir. Hi. I'm back. ओके सो Alright, can you show that to me again, please? या मैंने एक डेटा क्रिएट किया था यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने हाँ कुछ फॉर्मेटिंग की थी। इसमें मैंने येलो कलर कर दिया, Correct, मैंने correct. फॉन्ट I can इसको रेड see कर all of दिया। that. That window I could not see. ओके सो अब मैं इसमें से सिर्फ वैल्यूज जो है यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। सपोज Right. एक शीट के अंदर जो है मेरे एक्सेल शीट के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, और मुझे सेम डेटा दूसरी शीट के अंदर चाहिए, लेकिन बस वो डेटा जो है उसकी वैल्यूज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना फॉर्मूला चाहिए, ना फॉर्मेटिंग चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए। तो उसके लिए एक पेस्ट स्पेशल का फंक्शन है। पेस्ट स्पेशल नाम से ही पता लग रहा है, पेस्ट स्पेशल यानी कुछ स्पेशल तरीके से हम उसको पेस्ट कर रहे हैं कहीं। ठीक है, तो हम इसको पहले करते हैं कंट्रोल कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम प्रेस करते हैं ऑल्ट ई एस, ओके तो यहाँ पे एक विंडो खुलती है ये वाली पेस्ट स्पेशल वाली। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये है फॉर्मेट्स। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करके एंटर मारेंगे तो हमारा जो फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं, जैसे हमने कुछ डेटा सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वो रखी है। सपोज हमारा कुछ कलर करा हुआ है या फिर कुछ भी करा हुआ है, फॉर्मेटिंग से, नॉट वैल्यूज, ओनली फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग जो राइट है पेस्ट हो जाती है दूसरी जगह पे। एक यहाँ पे है वैल्यूज का ऑप्शन, ये इससे क्या होगा, हमारा डेटा जो है उसमें फॉर्मेटिंग कुछ भी हो सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। ठीक करेक्ट है, एक है ये फॉर्मूला, इसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होता है, ना फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी, ना हमारा वैल्यूज पेस्ट होगी, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा। इससे क्या होता है, वो अपने आप को जो फिगर्स हैं वो कैच कर लेता है, क्योंकि तो उसमें फॉर्मूला अपने आप लग जाता है, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करता है। हम आगे जब करेंगे तो हमें मतलब क्लियर करूंगा मैं ये कैसे होता है। ठीक है, ओके बाकी तो अभी इसमें भी कुछ खास है नहीं, तो हम पहले करते हैं व्हाट पेस्ट इज वैलिडेशन। वैलिडेशन रूल वैलिडेशन के लिए अब आगे आएगा, बाद में हम करेंगे इसको, यहाँ पे है ओके जब आगे करेंगे आगे इस कॉन्सेप्ट आएंगे वैलिडेशन के। तो हम Alt-ES, इसका शॉर्टकट है V, Alt-ES-V, तो ये अपने आप V पे क्लिक हो जाएगा एंड ओके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हो गई हमारी, लेकिन डेटा हमारा जो कलरिंग है, जो भी हमारी फॉर्मेटिंग है, वो पेस्ट नहीं हुई है, सिर्फ राइट हमारी वैल्यूज राइट पेस्ट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हो। यहाँ पे हम फिर से कॉपी करेंगे Ctrl+C, Alt+ES, फॉर्मेटिंग के लिए हम दबाते हैं T, Alt+ES-T, तो हमारी देख रहे हो आप सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई, क्योंकि मैंने फॉन्ट कलर वैल्यूज पे करा था इसलिए फॉन्ट कलर नहीं आया है, लेकिन इसका कलर जो है यहाँ पे मिक्स हो गया। ठीक है, और आपको क्लियर हो रहा है मैडम ये? या ठीक है, सो जस्ट टू लेट यू नो आई डू एक्सेल आई डू मोर सर्टेन थिंग्स मतलब मे बी नॉट एज एडवांस्ड एज यू बट या आई डू हैव सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद एक्सेल ओके, यू मस्ट बी तो नोइंग मैं अबाउट दिस इसको थिंग्स आई थिंक। या सो आई डू दिस अ लिटिल डिफरेंटली आई डू कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन द सेम Alt-V, ऑल्ट कंट्रोल वी ऑल्ट वी या हाँ ओके आई यू कैन कंट्रोल ट्राई ऑल्ट वी सेम कंट्रोल ऑल्ट लेट वी मी यू ट्राई चेक कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी देन हाँ हाँ ओके दिस इज योर थिंग फॉर मी या बट सो आई यूज दिस देयर ओके एंड आई गेट टू दिस विंडो सो ऑल्ट ई ओके एस इज न्यू आई डिडंट नो ऑल्ट ई एस बट देयर इज या आल्सो वन शॉर्टकट आल्सो दैट इज Alt-SS-V, so it also ओके do the same thing like this, it's not coming, ओके ओके but there is a shortcut like that.